टाइम बाद व्लॉगिंग करने जा रही हूँ। और आप लोगों को पता होगा कि मेरा शिफ्टिंग का सब काम चल रहा था और शिफ्ट होने के बाद भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो इसी वजह से मैं अपना व्लॉग नहीं बना पाई उतना, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है, साथ में खाना भी बनाना रहता है और सब बहुत कुछ रहता है यार। बहुत बर्डन हो गया था मेरे ऊपर, क्योंकि उस टाइम पे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और वीकनेस अभी भी है मेरे में, तो इसी वजह सब वजह से मैं नहीं बना पा रही थी ब्लॉग। अपने पे बीमार हूँ तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है और कुछ भी करने का मन नहीं करता। मैं लिटरली कुछ नहीं कर रही थी, सिर्फ खाना बना रही थी और आराम कर रही थी, रेस्ट पे थी एकदम टोटली, तो इसी वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि मैंने इतने टाइम तक व्लॉग नहीं किया अपना, पर अभी आज से स्टार्ट किया है, देखते हैं अच्छे से हो जाए होपफुली। और मैंने अपना पर्पल से एक पार्सल भी मंगाया है, वो भी 15 दिन से ऊपर हो गया आए हुए, लेकिन उसका भी मैं अभी हॉल शूट नहीं कर पाई हूँ, तो वो सब अभी करूँगी। और यही सब प्लानिंग है। और आज अभी इवनिंग के बज रहे हैं 6, तो 6 बज रहे हैं और अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तो इस घर में पहली बार पानी पूरी बनने जा रही है, तो बस वही सब चल रहा है। मैंने बॉईल करने के लिए रखा है अभी आलू और चने, तो वो सब हो जाए तो उसमें क्या नया ही है। अभी तो पानी पूरी तो हम बना के खाते ही है, तो वो कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ ये घर में पहली बार बन रही है, तो वही सिर्फ नई चीज़ है। और अभी सीटी सुनाई दे रही होगी आपको, तो वही चल रहा है, तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कुछ सेट नहीं किया मेरा। देखो आप कबर्ड्स ऐसे के ऐसे हैं, मतलब जैसे बैग मैं लेके आई थी वहाँ से वैसे के वैसे सब कुछ रखा हुआ है। जो चीज़ चाहिए वो निकाल के यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मनीष की भी जॉब चालू है, तो वो भी थोड़ा बहुत जो भी कर सकते हैं वो करते हैं। बाकी मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी, थोड़ा बहुत जो सामान ऊपर नीचे किचन का रहता है वही सिर्फ मैं कर रही थी, और कुछ भी मैंने छुआ नहीं है इतने दिनों। तो होगा जब होगा, क्या है ना तो महीना तो लग ही जाता है, तो आप लोगों को पता ही होगा। तो अभी इग्नोर करना मेरा ये सब मैस, और चलिए चल रहा है टीवी में मोटू पतलू और देख रहा है लव्या, तो यही सब चल रहा है। और अभी ये टीवी टेम्पररी हम लोगों ने लिया है भैया के पास से, तो हमारे पास जो टीवी था एलईडी वो एक्चुअली में बिगड़ गया है, तो रिपेयरिंग के लिए दिया है, तो आते अभी देर लगेगी, और इसलिए हम लोगों ने ये टेम्पररी बेसिस पे लगाया हुआ है। और अगर वो हो जाता है ना रिपेयर तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे दिवाली के आसपास नया लेने का सोचेंगे। अभी तो यही चलेगा जब तक वो नहीं आता है। एक्चुअली इसमें 3 ऑप्शन है, इसमें भी कूट सकती हूँ मैं और मिक्सचर भी है उसमें चला सकती हूँ, और ये वाला है मुझे सबसे बढ़िया यही लगता है, क्योंकि मैं बहुत बड़ी आलसी हूँ और मुझे ये सब करना इतना ज़्यादा, मतलब खाना बनाने का कोई इशू नहीं है, बट जो उसके रास्ते हैं ना वो मैं छोटे छोटे ढूंढ लेती हूँ शॉर्टकट्स। तो मेरा वही है, मैं अगर खाना बना रही हूँ ना तो मुझे ऐसा है कि मेरा फटाफट से हो जाए, भले कुछ भी बना रही हूँ मैं उसके ईजी वेज ढूंढ लेती हूँ जुगाड़ में, तो यही है। तो मैं इसमें अभी पीस रही हूँ सब कुछ और फट से हो जाएगा। तो अभी मैं नाश्ते के लिए ना मुमरा फ्राई करने जा रही थी, और अभी पानी पूरी तो बन नहीं रही है तो उसके लिए भी चल जाएंगे, तो इसीलिए 2 पर्पस है, इसीलिए मैं अभी मुमरा फ्राई करने जा रही हूँ।
सो गाइस गुड मॉर्निंग, मैं जस्ट अभी शावर लेके आई हूँ, नहा के जस्ट अभी आई हूँ और अभी बज रहे सुबह के 10:30। तो थोड़ा स्किन केयर कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा स्किन केयर मतलब मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ सुबह में, और कुछ नहीं यूज़ करती हूँ। तो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद सब काम स्टार्ट करते हैं।